सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं परम भये सब खंडिके करम कांड समुदाय सहज जयवन्ते दिनराय विघ्नहरण मंगलकरण नमो सिद्ध सुखकार नेमिचंद दिन जगतपति साधु वचन गुणदार सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद ने गोमरसार ग्रंथों की रचना की है, उसमें जीव कांड कर्म कांड आदि की रचना उन्होंने की है। उसको भी और सरल करके उसके ऊपर जो टीकाएं हुई थी, स्वयं चामुंडराय ने कर्नाटक भाषा में टीका लिखी थी, केशव जी वर्णी ने संस्कृत टीका लिखी थी और उसके आधार से टोडरमल जी साहब ने भाषा टीका देशी यानी ढूंढारी भाषा में उसकी टीका लिखी है। उसके आधार से हमारा जो यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, पंडित टोडरमल जी अत्यंत बुद्धिशाली जीव थे, सम्यक दृष्टि तो थे ही थे, कर्णान योग का उनका गजब का अभ्यास था। कैसी बुद्धि होगी कि जो कन्नड़ लिपि में लिखा हुआ संस्कृत ग्रंथ, केवल ग्रंथ ही नहीं उसके सारे सूक्ष्म गणित भी उन्होंने स्वयं तो आत्मसात किए ही किए और वहाँ सभी लोगों को जन जन तक वो पहुँचाए, स्वयं लिख के उसका कार्य किया। जयपुर में जाते हैं और वहाँ मंदिर जी में दर्शन करने जाते हैं जहाँ वे स्वयं प्रवचन करते थे, वहाँ तो कोई माइक की व्यवस्था थी नहीं और उस जमाने के जो मंदिर छोटे और वहाँ संख्या तो बहुत अधिक, तो वहाँ ऐसा कहते थे कि पंडित जी जहाँ बैठते थे और वहाँ जो प्रश्नोत्तर होता था तो वहाँ कोई यहाँ बैठे हैं तो वहाँ के श्रावक फिर बताते थे, फिर वो नीचे वाले श्रावकों को बताते ऐसे, यानी ये जो चर्चा चलेगी वहाँ से कोई दोहराएगा तो उसके पार जो बैठे हैं वो सुनेंगे, वो वहाँ जो सुनेंगे वो दोहराएंगे, फिर आगे चलेगी बात। हमें तो सभी सुविधाएँ उपलब्ध है, उस जमाने में तो हस्तलिखित था, हमें तो सारा आजकल तो जीरोक्स और प्रिंटिंग और सब हाथ में है, फिर भी जिसको कहते हैं ना कि जिज्ञासा उत्साह जिसका जितना था और उन्होंने इतने सारे कठिन में कठिन ग्रंथ हस्तगत किए या आत्मसात किए, हमें तो सारे आपके घरों में उपलब्ध हैं, हमें तो अभी घर में रखने के लिए जगह नहीं, ऐसी बात होगी, दिल की तो बात छोड़ो घरों में भी जगह नहीं। देखो ये टोडरमल जी की बात आती है और उन पर कोई ऐसे आक्षेप करते हैं तो बहुत दुख होता है, जिसको उनके बारे में कुछ पता नहीं है वे ही उनके संदर्भ में अनाप शनाप कुछ भी लिखते हैं और औरों को बताते हैं। तो कल जब बात निकली थी तो बहुतों ने प्रश्न पूछा, ये क्या बता रहे हैं, क्या हो रहा है, उन्होंने क्या लिखा था और किस पर ऑब्जेक्शन है। मुनियों का स्वरूप लिखते हुए पहले ही अधिकार में टोडरमल जी ने लिखा है, आचार्य उपाध्याय साधुओं के सामान्य स्वरूप में, कि यहाँ लिखते हैं, ये तो बहुत सारे उन्होंने शुद्धोपयोग रूप ही मुनिधर्म होता है ये बात समझाई है और उसके बाद ये भी बात की थी उन्होंने कि कदाचित मंदराग के उदय से शुभोपयोग भी होता है, वो शुभोपयोग को भला नहीं जानते परंतु वो शुभोपयोग शुद्धोपयोग का बाह्य साधन है इसलिए उसमें अनुराग करते हैं। और वहाँ लिखते हैं जो राग भाव है ना,
कौन सा? शुभ उपयोग वाला भी जो राग भाव है उसे हे ये जानकर, यानी वो छोड़ने लायक है। कैसा छोड़ने लायक है? उसको छोड़कर शुद्धोपयोग में यानी आत्मा में स्थिर होने योग्य है ऐसा वो समझते हैं, ऐसा वो जानते हैं और दूर करना चाहते हैं, यानी पुण्य को भी छोड़कर अपने आत्मा में स्थिर होना चाहते हैं, शुद्धोपयोग में लीन होना चाहते हैं। तथा तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से, कषाय तीव्र यानी तीव्र तम हो गए, तीव्र तर हो गए और तीव्र हो गए, उसको कहेंगे अशुभ परिणाम। और मंद परिणामों में मंद हो गए, मंदतर यानी अधिक मंद हो गए और मंदतम यानी सबसे अधिक मंद हो गए। ऐसे इसके तीन और तीन छः भेद किए जाते हैं जिसको हम छः लेशा से भी पहचानते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि उनके तीव्र कषाय जो है उसका अभाव है, यानी अत्यंत तीव्र कषाय उनके नहीं होते हैं। हिंसादि रूप अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा, इस बात पर ऑब्जेक्शन लिया गया था। क्या लिखा है कि मुनियों को हिंसादि रूप अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है। इसके ऊपर क्या ऑब्जेक्शन लिया गया है किसी पंडित ने? पंडित है ना, जो कोई अपने को पंडित कहलाते होंगे, कि ऐसा है तो छठे गुणस्थान में अस्थिर कौन कौन से बंधु विच्छित्ति होती है? अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनीय, अयशस कीर्ति, अरति और शोक, तो इनका बंध कैसे होता है? तो वहाँ कोई अशुभ उपयोग होना ही चाहिए। एक बात इसके ऊपर मैं आपसे पूछूंगी, ज्ञानावरण पाप प्रकृति है कि पुण्य प्रकृति? कब तक बनती है? तो उसे वहाँ भी अशुभ उपयोग होता होगा। उपघात प्रकृति कौन सी है? अशुभ प्रकृति है। कहाँ तक बनती है? आठवें तक बनती है, तो वो भी पाप करते हैं। ये शुभोपयोग शुद्धोपयोग, देखो प्रत्येक अनुयोग की भाषा अलग है। स्वयं पंडित जी ने बताया आगे आठवें अधिकार में कहते हैं कि प्रत्येक अनुयोग की व्याख्यान करने की पद्धति अलग अलग है। चरणानुयोग में कहेंगे ऐसा करो, पुण्य रूप प्रवर्तन करो भी कहेंगे, ऐसा भी कहेंगे ये अशुभोपयोग छोड़कर शुद्धोपयोग में चले जाओ, जाने की बात ही नहीं है, परंतु ये उपदेश की भाषा होती है। तो द्रव्यानुयोग के व्याख्यान में कहते हैं, द्रव्यानुयोग में भी चरणानुयोगवत ग्रहण त्याग कराने का प्रयोजन है, वहाँ भी कहेंगे ये अशुभ को छोड़ो, शुभ को भी छोड़ो और शुद्ध में चले जाओ, ये द्रव्यानुयोग की बात है। इसलिए यहाँ जो द्रव्यानुयोग, जो शुभोपयोग शुद्धोपयोग या अशुभोपयोग जो कुछ कह रहा है वो छद्मस्थ के बुद्धिगोचर परिणामों की अपेक्षा ही लगाया है, वहाँ कथन है। क्या कहते हैं? ये जो यहाँ द्रव्यानुयोग में जहाँ जहाँ शुभोपयोग या शुद्धोपयोग की जहाँ कहीं बात आती है, किस अपेक्षा से बात करते हैं? छद्मस्थ ने हम आप सारे, जो केवल ज्ञानी नहीं है, जो सर्वज्ञ नहीं है, वे सारे कौन है? छद्मस्थ है। तो छद्मस्थ के बुद्धिगोचर, छद्मस्थ के बुद्धिगोचर का अर्थ क्या है? छद्मस्थ उसको उन परिणामों को जान नहीं सकता, परंतु केवल ज्ञानी जरूर जानते हैं। तो यहाँ जो उपदेश देता है, या हम द्रव्यानुयोग में कहेंगे कि इसके अशुभोपयोग होता ही नहीं, वो छद्मस्थ के बुद्धिगोचर भावों की अपेक्षा बात कर रहे हैं। तो छद्मस्थ के बुद्धिगोचर परिणामों की अपेक्षा ही वहाँ कथन करते हैं। चरणानुयोग भी कहता है और द्रव्यानुयोग भी कहता है, उस दोनों में क्या डिफरेंस है? तो चरणानुयोग में तो बाह्य क्रिया की मुख्यता से वर्णन करते हैं कि ऐसा मत करो, ये पाप का त्याग करो, ये ऐसा करो, इस तरह से, और द्रव्यानुयोग में आत्म परिणामों की मुख्यता से वर्णन करते हैं। चरणानुयोग में आचरण की मुख्यता है, बाह्य आचरण की, और द्रव्यानुयोग में आत्मा के परिणामों की बात है। वहाँ तो करेंगे हिंसा का त्याग करो, और यहाँ करेंगे अपने परिणामों में राग आदि भाव की उत्पत्ति हिंसा है, ये एक द्रव्यानुयोग का कथन है। परंतु कर्णानुयोगवत सूक्ष्म वर्णन नहीं है, कर्णानुयोग इसको शुद्धोपयोग नहीं कहेगा। हम किस अनुयोग में कौन सी बात कर रहे हैं और कहाँ कौन सी बात लगाना है, एक अनुयोग की बात दूसरी जगह नहीं चलेगी। डॉक्टर आपको पीने की दवा लगाते देते हैं और कोई भी एप्लीकेशन वाली मलम भी देंगे,
तो कौन सी लगानी और कौन सी पीनी इसका विवेक हमें लगना चाहिए, रखना चाहिए। ये द्रव्यानियोग और चरणानियोग और कर्णानियोग का जो जहाँ कथन है उसको उसी अनुयोग के अनुप्रेक्ष्य में उसके ग्रहण करना चाहिए। देखते यहाँ उपयोग के शुभ अशुभ शुद्ध ऐसे तीन भेद कहे, ये बात अत्यंत महत्व की है। तो कहेंगे ये कर्णानियोग में प्रकृतियों में ये कहाँ निकाली बात, ऐसे कोई टाइट कंपार्टमेंट नहीं है टाइट कि ये द्रव्यानियोग है तो उसको ऊपर ही बताना चाहिए आपको, कर्णानियोग तो उसकी ही बात करो। हमें तो चारों अनुयोगों का यहाँ कैसा सुमेल है आपस में और कहाँ किस अपेक्षा से बात आती है और कोई उसके ऊपर उंगली उठाता है तो वो स्वयं कैसे गलत है, इसका निर्णय हमें होना चाहिए। किसी का सुन लिया और हम वैसे ही मानने लगे वो बात नहीं चलेगी। तो कहते उपयोग के शुभ अशुभ शुद्ध ऐसे तीन भेद कहे हैं। वहाँ धर्मानुराग रूप परिणाम वह शुभोपयोग, धर्मानुराग यानी देवशास्त्र गुरु के प्रति जो अहोभाव है, अनुराग है, उसको हम कहेंगे धर्मानुराग। पापानुराग, पाप के प्रति प्रेम और द्वेष, इसको अशुभोपयोग कहा। और राग द्वेष रहित परिणाम वह शुद्धोपयोग है ऐसा कहा है। तो यहाँ छद्मस्त के बुद्धिगोचर परिणामों की अपेक्षा यह कथन है। जब हम कहेंगे राग द्वेष रहित परिणाम तो कौन से राग द्वेष, जो अपने ख्याल में नहीं आ रहे ऐसे छद्मस्त जिसको जान सकता है, ऐसे राग द्वेष की अपेक्षा यहाँ कहा है कि राग द्वेष रहित होकर शुद्धोपयोग में रह जाओ। ये द्रव्यानियोग अत्यंत स्थूल कथन करता है। जो अपने ख्याल में आए ऐसे भावों की अपेक्षा ये बात चल रही है। राग द्वेष रहित होकर शुद्धोपयोग अगर होता होगा तो शुद्धोपयोग में बंध का अभाव होना चाहिए था। यदि पूरा ही राग रहित हो जाता, परंतु केवल यानी जानते वहाँ कौन से राग विद्यमान है और उस राग के कारण उस गुणस्थान में उतना बंध भी हो रहा है, क्या श्रेणी के गुणस्थानों में बंध नहीं हो रहा, फिर भी द्रव्यानियोग उसको शुद्धोपयोग कर रहा है। और ऐसा भी नहीं कि वो आत्मा को ही उपयोग में आत्मा को ही लिया है, क्योंकि ये पृथक्त्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क विचार क्या बात होती है, वहाँ तो छह द्रव्य उनके ज्ञान का विषय हो सकते हैं। ये जो उपयोग की बात कर रहे हैं वो अपने बुद्धिगोचर परिणामों की अपेक्षा हमें जो राग द्वेष हो रहे हैं उससे रहित होकर की बात है। यहाँ कर्णानुयोग में कषाय शक्ति की अपेक्षा गुणस्थानादि में, यानी उसकी कषाय की कितनी शक्ति है, तीव्र है कि मंद है कि मंदतम है, जो कुछ है, और गुणस्थानादि में अन्य अन्य गुणस्थानों में संक्लेश विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा कथन होता है। कितना संक्लेश है, कितनी विशुद्धि है, अभी ये थोड़ी बातें हमें समझ में नहीं आएगी, आगे जब हम कषाय के उदय स्थान देखेंगे संक्लेश विशुद्धि क्या होती है समझेंगे तो इस बात का आप और स्पष्टता आपको ख्याल में आ जाएगा। पहले हम यहाँ क्या लिखना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं उसको देखते हैं। वह विवक्षा यहाँ नहीं है, कहाँ, द्रव्यानियोग में। और यहाँ जो आचार्य उपाध्याय मुनियों का स्वरूप कहा है वहाँ वो बारहवें गुणस्थान वाला शुभोपयोग शुद्धोपयोग नहीं कहा है। आगे भी लिखते हैं कर्णानियोग में तो रागादि रहित शुद्धोपयोग यथाख्यात चारित्र होने पर होता है। द्रव्यानियोग तो शुद्धोपयोग तो चौथे गुणस्थान में भी कहेगा जिस काल में सम्यक दर्शन हो रहा है, और कर्णानियोग को पूछेंगे कहाँ होता है, जहाँ पूर्ण वितरागता है वहाँ पूर्ण शुद्धोपयोग है। ग्यारहवें में अंतर्मूर्त है और बारहवें में है ही अंतर्मूर्त, वो भी वह मोह के नाश से स्वयमेव होता है। ये तो राग द्वेष रहित जो अवस्था है बुद्धिगोचर है, हमें जिसको हम जानबूझकर ऐसा भी कह सकते हैं उसकी बात वहाँ है कि बाह्य जो हम अन्य चीज़ों में उलझे हैं उसको छोड़कर स्वरूप के बारे में चिंतन करते करते स्वरूप गुप्त हो जाना, उसकी बात है वहाँ। और कर्णानियोग में जीव को ऐसी विशुद्धि में स्वयं वो सब यथायोग्य उपशम या क्षय हो जाता है। जीव ने किया, भले हम कहेंगे उसने उपशम किया, उसने क्षय किया, परंतु क्या कहा, मोह के नाश से स्वयमेव हो जाता है ये शुद्धोपयोग। निचली अवस्था वाला शुद्धोपयोग का साधन कैसे करें, कर्णानियोग की अपेक्षा जो नीचे के गुणस्थान वाले भले चौथे पांचवें छठे सातवें है परंतु उनके जो सूक्ष्म राग विद्यमान है कर्णानियोग उसको शुद्धोपयोग नहीं कहेगा। तथा द्रव्यानियोग में तो शुद्धोपयोग करने का ही मुख्य उपदेश है। अभी झगड़ा हो गया ना,
हम भी आपस में जब वाद विवाद करते हैं तो एक जन कहते हैं कर्ण नियोग की अपेक्षा बात कर रहे, दूसरा है द्रव्य नियोग की अपेक्षा बात कर रहे। अरे अपेक्षा समझो ना, किस अपेक्षा से हम बात कर रहे हैं, किस नए से हम बात कर रहे हैं, तो विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं है। स्वयं टोलोमल जी इसको बता रहे कि हरेक अनुयोग की कथन पद्धति अलग है और उसी कथन से हमें उस अनुयोग का जानना चाहिए। तो कहते कि द्रव्यानुयोग में तो शुद्धोपयोग करने का ही मुख्य उपदेश है, इसलिए वहाँ छद्मस्थ जिस काल में बुद्धिगोचर भक्ति आदि, भक्ति हम कर रहे हैं वो हमारे भी ख्याल में आ रहे हैं, तो ये भक्ति आदि का भी परिणाम, ये पुण्य परिणाम, आदि में क्या लगाना, भक्ति है, दान है, दया है, जो कोई उपवास आदि परिणाम है, व्रतों के परिणाम है, जो कुछ है जो हमारे ख्याल में आते हैं, बुद्धिगोचर है, बुद्धिगोचर ने बुद्धि के हमें अपने ज्ञान में ख्याल में आते हैं, यानी बुद्धिगोचर भक्ति आदि और हिंसा आदि कार्य रूप परिणामों को छोड़कर, कार्य भी लिया परिणाम भी लिया, यानी पुण्य के परिणाम और वो उसमें जो कार्य चल रहा है आचरण वो छोड़कर, और पाप का भी परिणाम और आचरण छोड़कर, आत्मानुभवनादि कार्यों में प्रवर्ते उस काल उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। कौन? द्रव्यानियोग। हम जो भक्ति आदि कर रहे थे भगवान के सामने बैठकर, उनका अभी घर में जाके बैठना, वहाँ से उठ जाना उसकी बात नहीं, उसका लक्ष्य छोड़कर, भक्ति का भी लक्ष्य छोड़कर और कोई हिंसा आदि पापों का भी लक्ष्य छोड़कर, हम अपने शुद्धोपयोग में ने आत्मा के अनुभव में लग जाए, उसको द्रव्यानियोग शुद्धोपयोग कहता है। तो चौथे वाले को जो शुद्धोपयोग द्रव्यानियोग कहता है, वहाँ तो केवल अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो गया, अभाव है ना, हम भी अभाव कहते हैं, कर्णानियोग अभाव नहीं कहेगा, कर्णानियोग तो कहेगा उसको सदवस्था रूप उपशम हुआ है, एक समय के लिए अन्य रूप से उदय हो रहा है, उदय का अभाव है, एक समय ऊपर वो उसके निषेक पड़े हैं, किसी भी समय में उदय में आ सकते हैं, और जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में जा सकता है, क्योंकि हमने जो भाषा सीखी है हमें तो वही सच लगती है, फिर हम झगड़ा करें, अरे अभाव बताए ना चौथे वाले को, हाँ उदय का अभाव है, उस समय उसके परिणाम उस रूप नहीं हो रहे हैं, परंतु सत्ता में वो प्रकृति भी पड़ी है और जीव को भी वैसे भाव फिर से दोबारा हो सकते हैं। क्यों? संस्कार की बात करते ना, अरे संस्कार कब से हमारे मिथ्यात्व के अनादि से, वो अच्छा लगेगा, हम क्या अभी संस्कार तो करो फिर अगले भाव में काम आएगा, वो संस्कार की भी बात आती है, शास्त्रों में ही आती है, परंतु हम उसी पर डिपेंड रहते हैं, अभी अन्य कार्य नहीं करना चाहते, केवल संस्कार ही डालना चाहते, ख्याल में? यहाँ हम ये बात देख रहे हैं, यद्यपि यहाँ यहाँ इन्हें शुद्ध उपयोग में, कौन से शुद्ध उपयोग में, द्रव्यानियोग वाले शुद्ध उपयोग में केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म रागाधिक है, तो है तो उससे बंद भी होगा, तथापि उसकी विवक्षा यहाँ नहीं है। जब कहते हैं मुनियों को अशुभोपयोग होता ही नहीं, तब छद्मस्थ के बुद्धिगोचर अशुभोपयोग की बात है। एक बात ये हो गई, अपनी बुद्धिगोचर रागाधिक छोड़ता है इस अपेक्षा उसे शुद्धोपयोगी कहा है, और भी उसकी बहुत बातें हैं, फिर भी हम ये भी देखते हैं, और वहाँ अस्थिर आदि की बात की थी ना, देखो ये जो आपके पास पंचलब्धि पुस्तक है उसमें 73 पेज है, 73 पेज, अभी आज तो घर में रख के आए होंगे ना, क्योंकि उसका कुछ काल काम नहीं बना था, उसमें तीसरा पैराग्राफ, ठीक है ऊपर से पढ़ेंगे, जीव के कषायों को दो भेदों में विभाजित करते हैं, जीव के परिणामों की बात है, 73 पेज, 73 पेज पंचलब्धि पुस्तक, हाँ सुनना, जिसके पास नहीं वो शांति से सुनना, बिल्कुल ख्याल में आ जाएगी बात, जीव के जो कषाय परिणाम है उसके दो भेद है मुख्य, संक्लेश परिणाम और विशुद्धि परिणाम, कषायों के कितने वेरिएशंस है जिसको हम स्थान कहते हैं, तो असंख्यात लोक प्रमाण वेरिएशंस है, स्थान है, उनमें संक्लेश के स्थान बहुत ज़्यादा है, यानी बहुभाग प्रमाण तो संक्लेश के स्थान है और असंख्यात विभाग प्रमाण, एक भाग प्रमाण तो विशुद्धि के स्थान है,
यानी विशुद्धि वाले जो परिणाम की जो संख्या अलग अलग टाइप की विशुद्धि उनकी संख्या कम है और अलग अलग टाइप के जो संक्लेश है उनकी संख्या असंख्यात गुना है। अभी उसको क्या भेद है उसमें, तो साता स्थिर, आपने नाम सुने ना साता वेदनी, ये पुण्य प्रकृतियों के नाम देख रहे हैं हम आघाती के। साता स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदेय आदि, आदि में वो उच्च गोत्र भी लेना यशस कीर्ति भी लेना। शुभ प्रकृतियों के बंध के कारणभूत कषाय स्थानों को विशुद्धि स्थान कहते हैं। विशुद्धि किसे कहना, तो जिस काल में ये ऐसी विशुद्धि हो रही है उस काल में कौन कौन से कर्म बन रहे हैं, साता वेदनीय शुभ है ना वो, और फिर नाम कर्म के कुछ ले लिए, शुभ है सुभग है सुस्वर है आदेय है यशस कीर्ति है और गोत्र में से उच्च गोत्र है। तो ये जो कषाय स्थानों से बंध होता है उन कषायों को विशुद्धि के स्थान कहते हैं, अपनी भाषा में मंद कषाय कहते हैं। मंद कषाय और तीव्र कषाय हम जानते हैं, जिसको हम शुभ परिणाम कहते हैं उसी को यहाँ विशुद्धि कही है। और उस काल में क्या हो रहा है, साता वगैरह का बंध हो रहा है और उसके विरुद्ध असाता अस्थिर अशुभ दुर्भग दुस्वर अनादेय, उसमें भी निज गोत्र भी लगा लेना। तो इनका जब बंध हो रहा है वो जो बंध के परिणाम है उनको क्या कहेंगे हम, संक्लेश कहेंगे। तो यह है संक्लेश और विशुद्धि की परिभाषा। अत्यंत तीव्र कषाय के अभाव में जो मंद कषाय होती है उसे विशुद्धि कहते हैं। अब जब साता वेदनीय आदि कर्मों का बंध हो रहा है तो मेरा आपसे प्रश्न है, हमने उसके स्पर्धक देखे थे साता वेदनीय आदि शुभ प्रकृतियों के, हमने स्पर्धक देखे थे यानी अघादि के पुण्य प्रकृतियों के स्पर्धक के नाम हमने कौन से देखे थे, कौन बताना चाहता है, किसकी याद है? हाँ बोलो भाई। हाँ, गुड़ खांड शर्करा और अमृत, जहाँ अत्यंत विशुद्ध परिणाम होते हैं शुभ परिणाम, तो वहाँ चारों प्रकार का बंध होता है, उसको कहते हैं चतुस्थानीय बंध। जहाँ विशुद्धि बहुत ज़्यादा है वहाँ चारों का ही बंध होता है, कौन से, गुड़ वाले खांड वाले शर्करा वाले अमृत वाले सभी स्पर्धक बनते हैं, यानी वहाँ विशुद्धि बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ लिखते हैं देखो, साता वेदनीय के चतुस्थानगत बंध की अपेक्षा, चतुस्थानगत का अर्थ समझ में आता है, जहाँ ये चारों ही प्रकार के स्पर्धकों का बंध होता है वहाँ अत्यंत विशुद्धि है, उसकी अपेक्षा जो जीव त्रिस्थानगत बंध करता है, कौन से तीन, गुड़ खांड और शर्करा, ये अमृत वाले स्पर्धक उसको बंध नहीं रहे, क्यों, क्योंकि उसकी विशुद्धि उतनी ज़्यादा नहीं है। तो जो चार स्थान का बंध कर रहा है उसकी अपेक्षा जो तीन स्थान का बंध कर रहा है उसकी विशुद्धि कम है, जाहिर है ना। हाँ, उसके परिणाम संक्लिष्टतर कहेंगे, है तो विशुद्ध, उसको क्या कहेंगे, संक्लेश की ओर है ना, वो संक्लिष्टतर कहेंगे। और उसकी अपेक्षा द्विस्थानगत करने वाले क्या होगा, यहाँ लिखा नहीं, परंतु उसकी अपेक्षा द्विस्थानगत वाले और संक्लेश वाले, यानी उसकी विशुद्धि और कम है, विशुद्धि कम है तो हम कहेंगे उसके संक्लेश ज्यादा है। असाता आदि का बंध करते उसमें भी चार स्थान वाले जो है, असाता का तीव्र बंध करने वाले तो वो अधिक संक्लेश वाले, मैक्सिमम संक्लेश वाले, उसका तीन स्थान का करने वाले कम संक्लेश वाले, और उसका भी दो स्थान का बंध करने वाले और कम संक्लेश वाले। परंतु ऐसा नियम नहीं है, देखो आगे लिखिए, वर्धमान ने बढ़ते हुए कषाय को संक्लेश और घटते हुए कषाय को विशुद्धि कहना ठीक नहीं है। कषायों की वृद्धि केवल असाता के बंध का कारण नहीं है, क्योंकि कषायों की वृद्धि के काल में साता का भी बंध पाया जाता है। कितना स्पष्ट लिखा है, ये कर्णानियोग के वचन है। उसी तरह कषायों के हानि के काल में भी असाता का बंध पाया जाता है। तो ये जो इतनी बातें, ये तो मैंने थोड़ा ही आपको पढ़ के बताया है, और भी विस्तार बहुत है इसमें। इसका अर्थ क्या है कि ये जो कोई साता या असाता बनती है
तो उसको डायरेक्ट अशुभोपयोगी डिक्लेयर करना ठीक नहीं है, ये उसके अज्ञान का द्योतक है। स्वयं अपना अज्ञान प्रकट करते हैं और फिर पंडित टोडरमल जी जैसे महापुरुष के ऊपर उंगली उठाकर पुस्तक भी निकालते कि इतनी इसमें भूले हैं, इसलिए दुख होता है। अभी हम अपना विषय बढ़ाएंगे आगे। हाँ, और भी अभी बंध के बारे में हमें बहुत सारी बातें देखी है, आयु बंध के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न आए थे। इतना ही देखना है कि तीसरे गुणस्थान में आयु का बंधन नहीं होता। ऐसे ही निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था, ये निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था क्या होती है उसको देखेंगे, क्योंकि ये शब्द आगे भी आएगा। देखो, जीव जब मरकर अन्य गति में चला जाता है तो जब शरीर के परमाणु ग्रहण करना शुरू करता है उसी समय से उसकी पर्याप्तियाँ शुरू हो जाती है। जो संगी पंचेंद्रिय जीव है उसके 6 पर्याप्ति होती है। पर्याप्ति ने शक्ति की पूर्णता। ऐसे कौन कौन सी शक्तियों की पूर्णता होती है तो उसके नाम है, पहले है आहार पर्याप्ति, दूसरी शरीर पर्याप्ति, तीसरी इंद्रिय पर्याप्ति, चौथी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, फिर भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। जब तक दूसरी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती, जो पर्याप्त होने वाले जीव है ना, ऐसा क्यों कि कोई पर्याप्त होते और कोई अपर्याप्त ही अवस्था में मर जाते हैं, ये पार्शलिटी क्यों? हाँ, तो जो पर्याप्त नाम कर्म बांध कर आया है वो पर्याप्त है, उसकी पर्याप्ति नियम से पूर्ण होगी ही, वो अपर्याप्त अवस्था में नहीं मरेगा। और जिसने अपर्याप्त नाम कर्म बांधा है अपने खोटे परिणामों से, क्योंकि परिणाम करते समय तो कुछ पता नहीं है ना, और उसमें मजा भी आ रही है, तो अपर्याप्त नाम कर्म बांधा है और यहाँ जन्म लिया, तो उस जीव को कहते हैं लब्धि अपर्याप्तक। क्या कहा उनको? लब्धि अपर्याप्तक। उनकी तो एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होगी, उसके पहले मरण हो जाएगा। इतना छोटा अंतर्मुहूर्त उसका, उसकी आयु होती है, उसका भव का काल इतना छोटा होता है, जिसको हम कहते हैं एक श्वास में 8-10 बार। एक श्वास का जो काल है, कौन सा एक श्वास? ये जो ठक ठक हो रहा है ना पल्स, तो 2 पल्स के बीच में जितना अंतर है उसको एक श्वास कहा। अभी उसका 1/18 भाग करो और उतनी एक आयु, उनको कहेंगे लब्धि अपर्याप्तक जीव। और हमने क्या अभी शब्द लिया? निवृत्ति अपर्याप्त, यानी जो पर्याप्त नाम कर्म वाले हैं, जिनकी पर्याप्ति नियम से पूर्ण होने वाली है ही, फिर भी जो अभी तक शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक नहीं पहुंचा है, एक समय पूर्व तक उन जीवों को निवृत्ति अपर्याप्त जीव कहेंगे। दूसरी पर्याप्ति तक, दूसरी पर्याप्ति पूर्ण होने पर उनको पर्याप्त कह देते हैं, एज गुड एज हो गया। हाँ, ये क्यों, ये कहने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ये जो पर्याप्तियों के काल में कहाँ कौन से कर्मों का उदय शुरू होता है या कौन से क्या बातें हैं, उसके लिए निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था अलग से बताई है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको उसका ख्याल आएगा। अभी इतनी बात लेनी है कि निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में किसी के भी आयु का बंधन नहीं होता। आगामी आयु का बंध है तो पर्याप्त जीव। आगामी आयु कभी बंधेगी? वो तो हमने देखा त्रिभाग में बनती है। अभी तो पर्याप्ति का काल तो बहुत छोटा है, परंतु ऐसा भी हमने सुना है ना कि कदलीघात से भी मरण हो सकता है। तो क्या इस अपर्याप्त दशा में उनका कदलीघात से मरण हो सकता है? तो नहीं हो सकता। दूसरी पर्याप्ति पूरी हो जाए, फिर 6 पर्याप्ति पूरी होने पर हो सकता है कि लंबी आयु बांध कर आया है और अंतर्मूर्त के अंदर उसका सारे निषेक नीचे आ जाते हैं छोटे अंतर्मूर्त में, और फिर उसका आयु का बंध भी होता है और मरण भी होता है। परंतु निवृत्ति अपर्याप्त दशा में आयु का बंधन नहीं होता। मेरा प्रश्न आपसे ऐसा है कि लब्धि अपर्याप्त जीवों को आयु का बंध होता होगा कि नहीं होगा? क्योंकि निवृत्ति अपर्याप्त दशा से भी छोटा काल है उनका, होता है कि नहीं होता है? अरे होता है ना, क्योंकि उसको और भी भोग करने हैं ना। कोई जीव तो लब्धि अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त बार 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 बार
एक अंतर मुहूर्त में तो कितने भव होते हैं, याद है कि भूल गए? 66,336 भव। कौन से? लब्धि अपर्याप्त के। कोई एकाध जीव लब्धि अपर्याप्त अवस्था में चला गया तो लब्धि अपर्याप्त दशा कौन कौन से जीवों में पाई जाती है? एकेंद्रिय के सूक्ष्म बादर, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, ये सातों ही पर्यायों में पर्याप्त भी जीव होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं, उनको लब्धि अपर्याप्त कहते हैं। जब हम देखते हैं कि एक श्वास में 8-10 बार कौन से जीव है, हाँ निगोद आया ना उत्तर, अरे ये तो सभी में होता है, यही तो बता रहे। ये जो लब्धि अपर्याप्त अवस्था है, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाले, यानी इतनी छोटी आयु है, ये एकेंद्रिय में भी हो सकते हैं लब्धि अपर्याप्त, द्विंद्रिय में भी, तीन्द्रिय में भी, चतुरिंद्रिय में भी और पंचेंद्रियों में भी। पंचेंद्रियों में देवनारकी में तो नहीं होता, ना भोगभूमि में होता है, परंतु ये जो मनुष्य भी लब्धि अपर्याप्त है और तिर्यंच भी लब्धि अपर्याप्त होते हैं, पंचेंद्रिय, संगी भी और असंगी भी। तो ये जो है लब्धि अपर्याप्त, इतनी छोटी आयु है, वे भी आयु का बंध करते होगे कि नहीं करते होगे? और आयु का बंध एक समय मात्र के लिए कभी नहीं होता, अंतर मुहूर्त तक होता है और वो भी त्रिभाग में होता है। अभी लब्धि अपर्याप्त की जितनी छोटी आयु है, अब उसका त्रिभाग जब बाकी रहे, उस त्रिभाग में भी फिर अंतर मुहूर्त तक उनके आगामी आयु का बंध करते हैं। और हो सकता है कि पूर्व कोटि का आयु बंद करके यहाँ आ जावे, ये जरूरी नहीं कि हम लंबी आयु वाले ही लंबी आयु बांधते हैं। वो लब्धि अपर्याप्त जीव भी संगी पंचेंद्रिय तीर्यंच या मनुष्य में उत्पन्न हो सकता है तो करोड़ पूर्व की आयु भी बांध कर आ सकता है। क्यों? ये इतने परिणामों की विचित्रता है। यहाँ कोई जो बड़े बड़े दिखाई दे रहे, कोई सेठ है, राजे महाराजे हैं, अपने परिणामों से वो अपर्याप्तों में भी चले जा सकते हैं। और वो छोटे ऐसे जीव कहाँ कहाँ पड़े पता नहीं हमें, तो वहाँ से इस पर्याय में भी आ सकते हैं। हो सकता है हम भी वहाँ से आए हो, क्योंकि अनादि से हमारा अस्तित्व है। तो इन सभी 14 जीव समासों में हमने बहुत बार, अनंतों बार जन्म मरण करके हम आए हैं। और यदि वहाँ नहीं जाना चाहते तो ये बात अपने हाथ की है, क्योंकि किसी कर्म के हाथ में बात नहीं है और हम कर्म से कोई पराधीन नहीं हो रहे। हम स्वयं ही अपने अपराध से राग द्वेष मोह करते रहते हैं, कर्म स्वयं बनते हैं, हम अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं या अनुभव करने के लिए तत्व विचार भी करते हैं, तो ये कर्म स्वयं दूर होते हैं। किसी कर्म ने आज तक जीव को कुछ दुख दिया ही नहीं है, फिर भी हम तो स्वयं, हम तो अच्छे क्या करें, कर्म के कारण हम घूम रहे हैं, क्योंकि अपना दोष स्वीकार नहीं करना चाहते। और ये जड़ कर्म जो है उसको तो कुछ अक्कल ही नहीं है, तो उसके ऊपर सारा दोष मढ़ देते हैं, क्योंकि हमें तो महंत रहना है ना। तो यहाँ जो बात हो रही थी, कहाँ से कहाँ चली गई? हाँ, लब्धि आयु के बंध की बात चल रही थी। तो लब्धि अपर्याप्त जीव भी उसके त्रिभाग में आयु का बंध करता है, और वो भी जो यथायोग्य उसके परिणाम होते हैं उस काल में, वैसे उसके आयु बनती है। परंतु निवृत्ति अपर्याप्त जीव उस अपर्याप्त दशा में आयु का बंधन नहीं करता। पर्याप्त होने के बाद यथायोग्य जब आयु है उसकी, तब उसका बंध हो जाएगा। निर्वृत्ति कैसा? हाँ हाँ, ये निर्वृत्ति कैसा लिखते हैं पता है? निर्वृत्ति वो जो है उसके नीचे भी लगाते हैं, अकेला नीचे लगेंगे तो हम क्या कहेंगे, निवृत्ति यानी रिटायरमेंट, वो नहीं, निर्वृत्ति ऊपर भी लगाना और नीचे भी लगाना, निर्वृत्ति अपर्याप्त। और यह है लब्धि अपर्याप्त। लब्धि अपर्याप्त यानी जो, जिसको हम अपर्याप्त जीव कहते हैं, जो देवों में, नारकियों में और भोगभूमि में नहीं पाए जाते, क्योंकि उनकी तो कम से कम आयु वहाँ तो 10,000 वर्ष की है ही देवों में। भोगभूमि में कम से कम आयु कितनी है, किसी को पता है? तीन पल्ले तो उत्कृष्ट आयु है, एक पल्ले तो जघन्य भोगभूमि की उत्कृष्ट आयु है, 1 कोटि पूर्व प्लस 1 समय, क्योंकि कर्मभूमि की उत्कृष्ट आयु करोड़ पूर्व की है।
और भोग भूमि की जघन्य आयु करोड़ पूर्व प्लस एक समय है। जघन्य भोग भूमि की जघन्य आयु। अभी हम अपना विषय चलाते हैं आगे। यही लब्धि अपर्याप्त के बारे में कहना था। देख आयु बांधते हैं निर्वृत्ति अपर्याप्त जीव, अपर्याप्त अवस्था में नहीं बांधते, क्योंकि वो नियम से पर्याप्त होने वाले ही है। अभी पर्याप्त होने के बाद वो आयु तो बंद होकर ही ना, उनको निवृत्ति अपर्याप्त कब तक कहते हैं? जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, उसके बाद उनको पर्याप्त कह देंगे। तो पर्याप्त जो 100 साल की आयु बांध के आया है, उसके त्रिभाग में उसकी आयु बंधेगी, उस दशा में उसका बंध नहीं है। वो पर्याप्त होने के बाद अपने अपने जितनी आयु है उस प्रमाण में उसका त्रिभाग में बंध होगा या कदली घात से बंध होगा, परंतु कदली घात भी वो निवृत्ति अपर्याप्त दशा में नहीं होगी। हाँ, ये बात कहना चाहिए। यानी जो पर्याप्त नाम कर्म लेके आया है वो नियम से पर्याप्ति को पूर्ण करेगा ही करेगा। हाँ, कहाँ आयुबंध कौन कौन जीव नहीं करता, उसकी बात चल रही थी यहाँ पर। वैसे आगे चलकर कहाँ मरण नहीं होता होगी, बातें आएगी आगे। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं, अभी हम यहाँ जो लिखा ना, कल हमने ध्रुवबंधी प्रकृतियाँ देखी थी। जब हम मूल प्रकृतियों की बात करते हैं तो अनादि से कौन कौन सी प्रकृतियाँ बनती आई है लगातार लगातार, केवल 8 मूल प्रकृतियों की बात मैं पूछ रही हूँ। हाँ, 7 कर्म। आयु कभी कभी बनती है, और बनती है तब अंतर्मूर्त के लिए बनती है, तो उसको हम नहीं कहेंगे वो लगातार बनती आई है अनादि से। परंतु ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोनीय, अंतराय, वेदनीय, नाम और गोत्र कर्म अनादि से ही बनते आए हैं, इसलिए उसको क्या कहेंगे? अनादि। बराबर। कब तक बनते हैं? हाँ, जब तक उसकी बंध की विच्छित्ति नहीं होगी तब तक बनते हैं। मूल प्रकृतियों की अपेक्षा देख रहे हैं। यानी मोहनीय के बंध कब तक है? मोहनीय कर्म का 10वें तक तो उदय है, 9वें गुणस्थान तक मोहनीय का। हम प्रकृति नहीं पूछ रहे, उत्तर प्रकृति। मोहनीय मूल प्रकृति का बंध कहाँ तक है? तो 9वें गुणस्थान तक है। उसके बाद जो उपशम श्रेणी चढ़ने वाला उसका बंध रुक जाएगा मोहनीय का। तो मोहनीय का बंध अनादि का था, उपशम श्रेणी में वो रुक गया जब वो 10वें में 11वें में गया, और वापस वहाँ मरकर 4थे में जाएगा या नीचे उतर कर आएगा तो उसका बंध फिर शुरू होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम? सादी। ज्ञानावरण में भी सादी होगा क्योंकि उसका भी बंध रुक के फिर शुरू होगा, दर्शनावरण में भी सादी होगा, अंतराय में भी सादी होगा, मोहनीय में भी सादी होगा। किसमें सादी नहीं होगा? वेदनीय में नहीं होगा। क्यों? उपशम श्रेणी चढ़े तो भी 11वें गुणस्थान तक उसका बंध है ही है, आगे भी 13वें तक है, परंतु हमें श्रेणी में तो 11वें गुणस्थान है, तो वहाँ भी उसका बंध था ही था उपशम श्रेणी में। तो चढ़ के उतरा तो उसमें कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, वेदने का बंध नीचे भी था ऊपर भी था, तो उसको हम कहेंगे वो कैसा है? अनादि है, परंतु उसमें सादी वाला भेद नहीं होगा। जो अभव्य जीव है उनके तो ये बंध चलता ही रहेगा, तो उसको कहेंगे वो ध्रुव है। और जो भव्य जीव है वे इनका अभाव करके मोक्ष चले जाएंगे तो उनको कहेंगे अध्रुव। ये मूल प्रकृतियों की अपेक्षा हमने बात की। अब जो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं वो उसके भेदों के, यानी उत्तर प्रकृतियों की बात चलेगी। तो यहाँ हमने कल देखे थे कि ध्रुवबंधी प्रकृतियाँ ये जो देख रहे हैं, तो उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा इसको ध्रुवबंधी कह रहे हैं। ध्रुवबंधी किसको कह रहे हैं? अभी अनादि से बनती आ रही है, जब तक अपनी बंध विच्छित्ति नहीं होती तब तक उसका बंध होगा। ये बंध विच्छित्ति हमने कल देखी थी। बंध विच्छित्ति का अर्थ क्या है? जो बंध जिस गुणस्थान में हो रहा है और उसके ऊपर के गुणस्थानों में नहीं पाया जाता, तब हम कहेंगे उसकी बंध विच्छित्ति वहीं पर हो गई। कोई जीव पहले से दूसरे में नहीं जाता, फिर भी जो प्रकृतियाँ दूसरे और ऊपर के गुणस्थानों में नहीं बनती है उनको कहेंगे वो पहले गुणस्थान में ही बंध से विच्छित्ति हो गई। 6ठे गुणस्थान में जो बंधती थी और 7वें में नहीं बनती है तो उसको क्या कहेंगे? ये 6ठे गुणस्थान में उसकी बंध की विच्छित्ति हो गई।
तो इस तरह हमने पहले गुणस्थान में कितनी देखी थी? 16। कौन सी देखी थी? मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुसक वेद, असंप्राप्त श्रुपाटिका सहनन, एकेंद्रिय स्थावर आतप, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरकाय। ये 16 प्रकृतियों की बंद विच्छित्ति पहले में होती। आज पहले को ही याद करेंगे, 25 को हम बाद में याद करेंगे। कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है बात ये? हाँ, ये हमारे यहाँ ये सारे, इनको हमने पहले से कंडीशन डाली, आपको कुछ बोलना नहीं है। अश्विन भाई है, प्रेरणा बहन है, लक्ष्मी है, वहाँ ये सुशीला बेटे और बहुत सारे आए हैं ना, मयंक भाई आते हैं, ये सर में डेली स्वाध्याय के लोग हैं, इनको सबको पता है। हमने आपको उत्तर नहीं देना, हम घर में भी उनको बताते, जब नए लोग पढ़ने आते हैं तो आपको मौन रखना चाहिए। तोड़ते हैं मौन क्यों? क्योंकि जब उत्तर सही दे देते तो फिर नए लोग, चलो अभी उत्तर आ गए ना, अभी विचार नहीं करेंगे। तो नए लोगों को हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि किसी, हम अटपटे कोई भी प्रश्न पूछेंगे उसका सही उत्तर इन्हें पता है, फिर भी इनको मौन रखना है। क्यों मौन रखना है मंजू बहन? ये प्रतिभा है, कितने लोग आए हमारे क्लास के? क्योंकि जो नए लोग आते हैं वो उत्तर उसका ढूंढे स्वयं अपने विचार से और फिर उसको प्रस्तुत करें, इसलिए हमारे यहाँ प्रॉम्प्टिंग के लिए मनाई है और उत्तर जिसको मालूम है उसको उत्तर देने के लिए भी मनाई होती है। अब यहाँ हम देखते हैं, हमने पहले गुणस्थान के बंद विच्छित्ति देखी है, अब यहाँ हम उत्तर प्रकृतियों के, ये ध्रुवबंदी प्रकृतियाँ देख रहे थे, तो उस ध्रुवबंदी में कौन कौन से प्रकृतियों को हमने देखा था, जरा फिर से दोहराते हम। हाँ देखिए, ज्ञान आवरण के 5, दर्शनावरण के 9, अंतराय के 5, ओके, फिर मिथ्यात्व 16 कषाय, भय जुगुप्सा, तेजस और कारमा, फिर स्पर्श रस गंध वर्ण, अगुरु लघु, उपघात और निर्मा, हमने देखा ना, वो अपने अपने बंद विच्छित्ति तक उसको बंद होगा। तो हम उनकी बंद विच्छित्ति कहाँ कहाँ है देखेंगे। हम ज्ञानावरण की बंद विच्छित्ति 10वें गुणस्थान, दर्शनावरण 9 है, उसमें से स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला की बंद विच्छित्ति 2 गुणस्थान में, निद्रा और प्रचला के 8वें के पहले भाग में है और बाकी 4 का बंध तो 10वें तक चल रहा है। तो जहाँ जिसकी बंद विच्छित्ति है वहाँ तक वे प्रकृतियाँ निरंतर बंधेगी। अभी बंध रही है कि नहीं बंध रही है? हम कहेंगे जो मिथ्या दृष्टि उनके बंध रही है, जो समय दृष्टि होगी उसकी नहीं बंध रही है, स्त्यान वृद्धि आदि 3, परंतु उसके निद्रा प्रचला भी बंध रही है कि नहीं बंध रही? अभी कोई 8वें वाले तो यहाँ हम बैठेंगे नहीं तो उनकी तो बात हम नहीं करेंगे। तो ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण की बात की, अंतराय की जब बनती है तो 5 ही बनती है, कब से बन रही है? अनादि से। कब तक बंधेगी? बंध विच्छित्ति तक, यानी 10वें तक बंधेगी। उसके बाद हमने मिथ्यात्व को देखा था, मिथ्यात्व की बंध विच्छित्ति कब होती है, पीछे कोई कहेंगे? हाँ, पहले गुणस्थान में। हाँ, अनादि से बंध हो रहा है, जीव पहला गुणस्थान छोड़कर ऊपर के यानी समय को प्राप्त करता है, तब उसके वो बंध छूट जाता है, रुक जाता है, उसको कहेंगे बंध की विच्छित्ति हुई। 16 कषाय, 16 कषाय तो अलग अलग जगह जाते हैं ना, तो अनंतानुबंधी की बंद विच्छित्ति हमने कहाँ देखी थी? बंद विच्छित्ति चल रहे, हमने हृदय की विच्छित्ति नहीं पूछी आपको। और चौथे में वो अप्रत्याख्यानावरण की है, दूसरे गुणस्थान में वो प्रश्न भी आया था, कोई अनंतानुबंधी के बारे में कुछ प्रश्न आया था। देखो हम आगे बढ़ेंगे, वो प्रश्न की बात करेंगे। तो ये अनंतानुबंधी का बंध दूसरे गुणस्थान में है और उसका उदय भी 2 गुणस्थान तक है। जहाँ उदय है वहाँ कषायों के बारे में ऐसे, जहाँ उदय है वहाँ उसका बंध है। तो अनंतानुबंधी 4 के बंध की विच्छित्ति 2 में होती है, अप्रत्याख्यानावरण 4 के बंध की विच्छित्ति, यानी जहाँ बंध है फिर ऊपर नहीं है, तो 4 गुणस्थान। फिर प्रत्याख्यानावरण की 5वें में,
और संजवलन की नौवे में, वो भी एक एक क्रोध मान माया लोग क्रम से उसकी बंधे की विच्छित्ति होगी, नौवे में ही होगी। हम तो अभी नौवे में इतना ही कहेंगे। ये मिथ्यात्व 16 कषाय है। भय और जुगुप्सा कब से बन रही है, तो अनादि से बन रही है। बंध विच्छित्ति कहाँ होगी, तब तक वो बनती रहेगी, आठवें गुणस्थान। तो आठवें गुणस्थान तक वो बंध होता रहेगा, तो उसको इसलिए उसको कहेंगे ध्रुवबंधी प्रकृति है। ये क्यों सोचना कि जब हम वो उदय के साथ और सत्ता के साथ उसकी बातें देखेंगे तो आपको उसका और ख्याल आएगा कि ये किस तरह से ये मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है, कौन कौन सी प्रकृतियाँ रुकती है, कौन सा उदय रुकता है, किस तरह से क्या बातें होती हैं। हमने अभी मिथ्यात्व 16 कषाय और भयजुगुप्सा मोहिनी की देखे। अभी तेजस और कारमान, इसके बंध की बात है। अनादि से ये शरीर नाम कर्म बंध रहा है, तेजस कारमान करते हैं, तेजस शरीर नाम कर्म और कारमान शरीर नाम कर्म, इनके बंध की बात हो रही है, उदय की नहीं। क्योंकि उदय तो हम देखेंगे 13वें गुणस्थान तक होता है, यानी उसका कार्य तो चलेगा, परंतु जो नया बंध हो रहा था वो 8वें गुणस्थान तक है, आगे रुक जाएगा। तो उसके बंध की विच्छित्ति 8वें में होती है। उसके बाद किसको देखा, हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण की भी बंध की विच्छित्ति 8वें में होती है। जो नहीं याद आए ना 8वें में बता देना। हाँ, तेजस कारमान एक साथ बनते रहते हैं और वो ध्रुवबंधी है, निरंतर बनते रहते हैं। अभी बताए ना 8वें गुणस्थान, 8वें के 6ठे भाग तक हमने 30 प्रकृतियाँ देखी थी। 8वें के 6ठे भाग में, हाँ, 8वें के 6ठे भाग में हमने 30 प्रकृतियाँ देखी थी। तो निरंतर बंदी की बात करें, अभी हम तेजस कारमान देखा, स्पर्श रस गंध वर्ण देखा, अब कौन से रह गए, अगुरु, हाँ, अगुरु लघु, उपघात और निर्माण। तो अगुरु लघु, उपघात और निर्माण, ये सभी प्रकृतियाँ 8वें गुणस्थान तक बनती है, आगे उसके विच्छित्ति होती है। इस तरह से इनको क्या कहेंगे हम, ध्रुवबंधी प्रकृतियाँ। जब तक इसकी बंध की विच्छित्ति नहीं हुई है अनादि से, तो ये तो निरंतर बंध ही रही है। इन एडिशन, इसके अलावा अन्य भी बंध रही है, परंतु इतनी तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि ये नहीं बंधेगी या कुछ काल के बंधेगी, ऐसा ऑप्शन इसमें नहीं है। इनके साथ अन्य प्रकृतियाँ ऐसी है, बंधेगी भी या नहीं भी बंधेगी इनके अलावा, और यानी ये तो बंधेगी ही बंधेगी हर एक को, और इसके साथ और कौन कौन सी बंधेगी, तो उसमें हो सकता है कि वो कुछ बंधेगी कुछ काल के लिए और नहीं बंधेगी तो नहीं भी बंधेगी। और कुछ ऐसी है, बनती तो है परंतु या तो साता बंधेगी या तो असाता बंधेगी, क्योंकि वेदनीय तो का बंध तो अनादि से, तो उसमें साता बंधेगी तब असाता नहीं बंधेगी, जब असाता का बंध हो रहा है तब साता नहीं बन रहे हैं। जिस समय में गोत्र का उच्च गोत्र का बंध है उस समय नीच का बंध नहीं है, और जिस समय नीच का बंध है उस समय उच्च का नहीं है, परंतु गोत्र कर्म है सच वो तो बनता ही रहेगा। ख्याल में आते हैं ना बात, गोत्र इसको ध्रुवबंधी में नहीं लेंगे, इसको ध्रुवबंधी में नहीं लेते, उसकी अभी अलग हम विवक्षा करेंगे, क्योंकि वो अपने विच्छित्ति तक निरंतर नहीं बन रही है। क्या उच्च गोत्र अनादि से बन रहा है, नहीं, कभी कभी बनता है, कभी कभी निज गोत्र भी बनता है, कभी कभी उच्च गोत्र भी बनता है, इसलिए उसको ध्रुवबंधी में नहीं लिया। अगर गोत्र कर्म की मूल प्रकृति की बात करेंगे तो हम कहेंगे ये ध्रुवबंधी है, गोत्र कर्म की अपेक्षा उसका ध्रुवबंध है, निरंतर बंध है, परंतु उत्तर प्रकृति की अपेक्षा ये उच्च गोत्र है या नीच गोत्र, उसको हम ध्रुवबंधी में नहीं लेंगे। साता में ऐसे लेना, साता असाता, अभी हम प्रकृतियों की बात करेंगे कौन कौन सी प्रकृति आते हैं। अभी तो हमने ध्रुवबंधी 47 देखी और अध्रुवबंधी कितनी लिखी है, 73, तो पूरी टोटल बंध योग्य कितनी हो गई है, 120 में दो कौन सी छोड़ी, 122 में से सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व, जो बंधने से तैयार नहीं होती। मिथ्यात्व प्रकृति में से जब सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है तो इसमें से मिथ्यात्व का संक्रमण होकर उसका अनुभाग घटकर ये अन्य दो प्रकृतियाँ तैयार होती हैं। यहाँ तो हम बंधने वाले प्रकृतियों की लिस्ट देख रहे हैं, इसलिए यहाँ 120 का हिसाब चलेगा।
148 में से हमने शरीर बंधन और संघात को 15 के बदले 5 में गर्भित किया था, वो 10 कम हो गए। स्पर्श रस गंध वर्ण के अगर हम विस्तार से कहेंगे तो 20 होती है, उसके बदले मात्र स्पर्श रस गंध वर्ण कह दिया तो 4 हुए, यानी वहाँ 16 कम हुए। तो 48 में से 26 कम करते हैं तो 122 होती है, और 122 में से जो बंध योग्य नहीं है ऐसे 2 कम कर दें तो यहाँ 120 का हिसाब चलेगा। नहीं तो आप कहेंगे 148 प्रकृतियों में से बाकी कहाँ खो गई हमारी, हाँ किसकी चिंता है, हमारी प्रकृतियाँ कहीं खो न जाए, हाँ नहीं सब कुछ है अपने पास। हाँ तो यहाँ जो हम देख रहे थे ये तो हमने ध्रुवबंदी की बात की, अब जो ध्रुवबंदी नहीं है उनको कहेंगे अध्रुवबंदी। अध्रुवबंदी में 2 प्रकार हो गए, फिर भी अध्रुवबंदी का अर्थ क्या है, वो अनादि से निरंतर बनती नहीं आ रही है, कभी बंधे रही है और कभी नहीं भी बंध रही है। हम यहाँ उत्तर प्रकृतियों की बात कर रहे हैं, इसलिए मूल प्रकृतियों की अपेक्षा तो हमने कहा था कि 7 प्रकृतियों का तो निरंतर बनता अनादि से ध्रुवबंध था, परंतु अभी हम उत्तर प्रकृतियों की बात यहाँ कर रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं आगे यहाँ पर कि उत्तर प्रकृतियों में यहाँ पर ये जो हम बंध योग्य और ध्रुवबंदी और अध्रुवबंदी की बात कर रहे हैं उसकी बात हम देखते हैं। इसमें से जो 11 है उसको क्या कहा यहाँ पर, अप्रतिपक्ष, और जो अन्य जो है उसको कहेंगे हाँ सप्रतिपक्ष। अब इसका अर्थ भी देखते हैं, अप्रतिपक्ष का अर्थ क्या होता है, जैसे तीर्थंकर प्रकृति है तो तीर्थंकर प्रकृति किसी के बंधेगी तो बंधेगी, नहीं बंधेगी तो नहीं बंधेगी, अनादि से तो बनती नहीं आ रही है, तो अनादि से जो नहीं बंध रही है और यहाँ अभी बंधेगी वो, इसकी बात करते हैं अभी हम यहाँ पर। हाँ 47 ध्रुवबंदी की हमने बात की, तो ये जो प्रकृति है तो उसमें सादी बंध है, ये जो ये वाली है ना अध्रुवबंदी 73, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सादी है और अध्रुव है। जो अनादि से बनती आ रही थी अपनी बंध विच्छित्ति तक उसको क्या कहा हम, अनादि है और ध्रुव है, और ये सादी है और अध्रुव है। कौन सी, ये ऊपर लिखा है ना अध्रुवबंदी जो है अध्रुव है, निरंतर नहीं बनती थी इसलिए वो क्या हो जाएगी, सादी। सादी यानी कभी बनती है कभी नहीं बनती है, जिस काल में बनती है तब उसको हम सादी बंध कहेंगे। जैसे आयु का बंध क्या अनादि से हो रहा था, नहीं, जब कभी बनती है तो उसको कहेंगे इसका बंध अभी शुरू हुआ नया, तो उसको हम सादी कहेंगे, और अंतर्मूर्त में समाप्त हो जाएगा तो अध्रुव कहेंगे उसको, सादी और अध्रुव। तो ये जो 73 प्रकृतियाँ हैं वो अध्रुव है, और उसमें सादी बंध भी होता है और अध्रुव भी बंध होता है, यानी कभी उसका बंध होगा भी और कभी नहीं भी होगा। अब इसमें उन्होंने 2 भेद कर दिए, ये जो 11 प्रकृतियाँ हैं वो अप्रतिपक्ष वाली है। देखो सप्रतिपक्ष और अप्रतिपक्ष किसको कहना, जैसे जो गति नाम कर्म है वो तो निरंतर बंध ही रहा है, परंतु मनुष्य गति निरंतर नहीं बंध रही, देवगति निरंतर नहीं बंध रही है, तो मिथ्या दृष्टि है, तो सुबह पूजन स्वाध्याय करता है तो देवगति बांध रहा था, फिर व्यापार में चला जाता है बहुत लोभ परिणाम करता है तो नरक गति बांधता है, कभी तिर्यंच मायाचारी करता है तिर्यंच गति बांधता है, तो ऐसे ही झगड़ा करते हैं, तो ये चारों गतियों का बंध हो रहा है उसके। गति की बात चल रही है आयु की नहीं, आयु और गति में बहुत कन्फ्यूजन चलता है, लोगों के प्रश्न भी बहुत आते हैं, इसलिए मैं पहले से ही उसका उत्तर देती हूँ। ये जो गति तो बनती है मिथ्यात्व अवस्था में, क्यों मिथ्यात्व अवस्था में आप शब्द लगा रहे हैं, हमने देखा है नरक गति के बंधे की विच्छित्ति पहले गुणस्थान में, जो पहले गुणस्थान के ऊपर के गुणस्थानों में है उसको नरक गति का बंधन नहीं होगा, यानी पहले गुणस्थान वालों को
चार गतियों में से कोई ना कोई एक गति बंधेगी ही बंधेगी हर समय। ऐसा एक समय भी नहीं जाएगा कि गति का बंधन नहीं हो रहा। हाँ, आठवें गुण स्थान में जब देव गति का भी बंध रुक जाएगा, उसके ऊपर गति का बंध नहीं होगा। अन्य नाम कर्म बंधेंगे, गति नाम कर्म नहीं बंधेगा। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि चार गति में से कोई ना कोई एक गति का बंध होगा, तो उसको हम कहेंगे ये प्रतिपक्ष वाली प्रकृति है। उस ग्रुप में से कोई ना कोई एक बंध ही नहीं, चार गति में से किसी एक गति का बंध हो रहा तो हम कहेंगे प्रतिपक्ष प्रकृतियां है। जाति पांच है, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के, तो उसमें से एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनद्रिय, चतुरिंद्रिय या पंचेंद्रिय कोई ना कोई जाति हम समय हर समय बंधेगी ही बंधेगी, तो हम उसको कहेंगे ये भी प्रतिपक्ष प्रकृति है। एकेंद्रिय जीवों के तो बहुत ऑप्शन है, एकेंद्रिय का भी बंध कर सकता है, द्विंद्रिय, तीनद्रिय, चतुरिंद्रिय का भी और पंचेंद्रिय का भी। परंतु जो सम्यक दृष्टि हो जाता है, तो हमने देखा एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनद्रिय, चतुरिंद्रिय जाति का बंध की विच्छित्ति पहले ही गुणस्थान में होती है। देखो कितना फायदा ही फायदा है, जरा देखो सम्यक तो बहुत अच्छा है। आप कहेंगे फिर हमें संसार के मजे लूटने नहीं आएंगे, वो भी ऑप्शन है। एक बार सम्यक तो प्राप्त कर लो, फिर मिथ्या तो में आ जाओ, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक और भटको, संसार के मजा लूटो और फिर चले जाओ मोक्ष। जाना ही पड़ेगा, वो बात जाना पड़ेगा। और जिसको ऐसा लगता है फिर इतना संसार की सारी अच्छी अच्छी बातें कौन भोगेगा, हम चले जाएंगे, तो वो भी ऑप्शन खुला है। यहीं पर भटके रहो, सम्यक तो प्राप्त मत करो, सोचना पहले बराबर। सम्यक तो प्राप्त करोगे तो मोक्ष जाना ही पड़ेगा। इसलिए पहले सोच लेना बराबर। तो ये जो पहले गुणस्थान वाला पांचों जाति, इस जाति नाम कर्म को हम क्या कहेंगे, प्रतिपक्ष वाली गति है, जाति है, शरीर है। शरीर में भी क्या होता है, या तो औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग का बंध करता है, या वैकृत शरीर वैकृत अंगोपांग का बंध कर रहा है, या नहीं वो आहारक आहारक अंगोपांग का बंध उसके साथ भी चल सकता है वैकृत के साथ, तो इसका वो बंद करता है, यानी वो भी ऑप्शनल हो जाएगी। शरीर नाम कर्म बनता तो है, परंतु उसमें भी ये ऑप्शंस हो सकते हैं, तो इसलिए भी क्या कहेंगे उसको हम, प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष में आहारक आहारक अंगोपांग और वैकृत अंगोपांग लेना, ये जोड़ी। परंतु जो आहारक आहारक अंगोपांग है, औदारिक और औदारिक अंगोपांग, वैकृत और वैकृत अंगोपांग, इनको प्रतिपक्ष में रखा। सप्रतिपक्ष का ही अर्थ होता है प्रतिपक्ष वाली प्रकृति। स लगाओ या नहीं लगाओ, एक ही बात है। हाँ, यहाँ लगाए ना, सप्रतिपक्ष यानी प्रतिपक्ष वाली प्रकृति, प्रतिपक्ष सहित वो सप्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष से रहित वो अप्रतिपक्ष। जैसे हम प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित कह के उसको प्रतिष्ठित भी कहो या सप्रतिष्ठित भी कहो, एक ही अर्थ है कि नहीं। मालूम है ना क्या होता है प्रतिष्ठित, जिसके पास बहुत पैसा है वो प्रतिष्ठित है। देखो जिस प्रत्येक शरीर के आधार से, प्रत्येक शरीर यानी एक शरीर और एक जीव, उस शरीर के आधार से जहाँ निगोद राशि रहती है, निगोद शरीर रहते हैं, उसको कहेंगे सप्रतिष्ठित कहो या प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर वाले जीव कहते हैं। ऐसे कौन से हैं आपको मालूम है? आलू प्याजी याद आता है कि ये शरीर भी याद आता है। ये भी सारे प्रतिष्ठित है, औदारिक शरीर जो तिर्यंच और मनुष्यों के औदारिक शरीर है, ये सारे क्या है, सब प्रतिष्ठित है। केवल वो पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक और वायु का एक, उनके आधार से निगोद नहीं रहते हैं। हाँ, वनस्पतियों के आधार से रहते हैं, वहाँ उनमें दो प्रकार है, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। हाँ बिल्कुल, ये सारे कैसे हम प्रतिष्ठित सप्रतिष्ठित, क्यों? ये मनुष्य शरीर कैसा है? अरे निगोद से भरा है, हर समय अनंत जी उत्पन्न हो रहे हैं और अनंत इसमें से चले जा रहे हैं। हाँ, तो देखो ये सारी टर्मिनोलॉजी है या कुछ है, क्योंकि ये जीव कांड में बहुत बार हुआ है यहाँ पर, इसलिए सारे फटाफट उत्तर भी दे रहे हैं। हाँ, अपना विषय यहाँ चला है, जीव समास आदि की बात यहाँ चल रही है। यहाँ जो हम देख रहे हैं प्रतिपक्ष यानी सप्रतिपक्ष वाली और अप्रतिपक्ष वाली किसे कहना,
वो कौन कौन सी प्रकृतियाँ उसकी लिस्ट तो बाद में देखेंगे। किसको कहना ये पहले समझ में आना चाहिए कि जो बनती है तो बनती है तो उसको कहेंगे अप्रतिपक्ष वाली है। जैसे आयु बनती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि चार में से आयु बनती है, ऐसा है जो बनती है तो कोई एक आयु बनती है। वो परिणाम ऐसे है कि उस परिणाम के काल में मनुष्य आयु बन रही है अंतर्मूर्त तक, उसमें ऑप्शनल नहीं है। तो ये 11 प्रकृतियाँ कौन सी हैं जो अप्रतिपक्ष वाली है तो उसको हम बताएंगे अभी आपको। यानी उनका जिस काल में बंद होता है उस काल में अपना अपना बंद होता है, ऐसा नहीं कि कभी ये बंधेगी कभी वो बंधेगी, ऐसी बात नहीं है। तो उनके नाम है, हाँ, ये जो तीर्थंकर है, तीर्थंकर प्रकृति अनादि से तो नहीं बन रही थी, और उसका कोई हाँ गाथा है 125 नंबर की गाथा भी पढ़ेंगे आपको बताएंगे। देखो यहाँ उत्तर प्रकृतियों में ये जो सप्रतिपक्ष और अप्रतिपक्ष कहते हैं उसको अपरिवक्ष और सपरिवक्ष कहा है, गाथा हम पढ़ेंगे। हाँ ये गाथा हम बाद में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, अभी तो अपना समय हो गया। बोलो 2400 भगवान की।